जय भी। और दोस्तों बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल जो है ये मुजफ्फरपुर के शेरपुर में खोला जाएगा। आखिर इसकी खासियत क्या है आपको बताते चले कि ये वन्य जीव जो अस्पताल रहेगा जहाँ पे वन्य जीव जो कि रेस्क्यू किए जाएंगे उनको यहाँ पे लाया जाएगा, उनको देखभाल किया जाएगा और 15 दिनों तक बोला जा रहा है कि यहाँ पर उनको जो है पूरी देखभाल किया जाएगा और जब तक स्वस्थ नहीं होते हैं तब तक उनका इलाज किया जाएगा। तो अभी तक आप लोगों को याद रखना है कि पूछेगा कि बताइएगा बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोला गया है, जाने की बात क्या गया है। तो आप लोग को बता दूं कि ये मंजूरी मिल गया है जो कि मुजफ्फरपुर के शेरपुर में खोला जाएगा। और आपको बता दूं इस पर लागत कितना आएगा, तो 1 करोड़ रुपया लागत आएगा और 1 करोड़ रुपया में से अगर बात किया जाए इसमें केंद्र सरकार भी सपोर्ट कर रहा है, राज्य सरकार भी। केंद्र सरकार बोला है कि इसमें 40% जो राशि होगा हम देंगे भाई और 60% राशि जो है राज्य सरकार को यहाँ पे मुहैया कराना होगा। आपको बताते चले कि ये जो वन्य जीव अस्पताल है जल्द ही बन जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा कुछ राशि जो है यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। तो ये मुजफ्फरपुर में आप लोग को याद रखना है कि पहला वन्य जीव अस्पताल आप लोग को खोला जाएगा और ये कहीं ना कहीं केवल और केवल वन्य जीवों के लिए रहेगा जिनको रेस्क्यू किया जाता है, जिनको पुनर्रेस्क्यू करने के बाद उनको पूरा अगर मान लिया जाए कि देखभाल हो जाता है पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है तो पूरा उनको पुनः जो है यहाँ पे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो अभी तक का ये अपडेट था कि बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल मुजफ्फरपुर के शेरपुर में बनेगा। और इसी तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग जरूर जुड़े रहे बीपीएससी एग्जामपुर से। जय बिहार।